अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं मैपल एजुकेशन। आज की हमारी जो वीडियो है वो फिजिक्स के 9th चैप्टर में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले आपने मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है और उसकी यूनिट्स को यानी बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको मेजर किस तरीके से करते हैं या किन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं जिनको हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेंथ के मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, मैस को मेजर करने के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट होंगे, इसी तरह टाइम के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो अभी हम जो है और लेंथ को मेजर करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर रूलर है। ये हमारी लेबोरेटरीज में भी होता है यूज, यानी ये वुडन या प्लास्टिक का रॉड होता है या फिर मेटल का भी होता है और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है जैसे नाम से पता चल रहा है मीटर रूलर है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो मीटर होगी। और इसके ऊपर जो डिविजन होती है वो 100 डिवीजन होती है, यानी मीटर की 100 डिवीजन होती है। इसकी इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, यानी इसकी मदद से हम मैक्सिमम 1 मीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं और मिनिमम या लीस्ट इसकी 1 सेंटीमीटर तक इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। इसके बाद जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मीटर मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप जो होता है आपने देखा होगा ज्यादातर इंजीनियर्स के पास जो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से होते हैं, रोड्स वगैरह या पुल इस तरह की जो चीजें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके पास होती है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो होती है वो अब लेंथ में मीटर रोड से बड़ी होती है, यानी इसके ऊपर 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक इसकी डिफरेंट लेंथ हो सकती है। तो उसकी मदद से हम बड़ी बड़ी लेंथ को मेजर कर सकते हैं इसीलिए। और ये भी प्लास्टिक का और कॉटन की कपड़े का भी बना सकता है। इसके अलावा मेटालिक भी होता है, लेंथ के लिहाज से जितना जो कन्वीनियंट होता है उस लिहाज से उन्हें बनाया होता है। अब इसकी जो मीटर मेजरिंग स्केल होते हैं एक साइड पे इसके ऊपर इंचेस में होती है यूनिट्स और दूसरी साइड पे इसके ऊपर सेंटीमीटर में होती है। तो इसकी मदद से भी हम लेंथ को मेजर करते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर जो है वो मीटर रॉड और मेजरिंग टेप के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। स्मॉल कोई अपने लेंथ मेजर करनी हो तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। ये मेटालिक शेप का होता है और उसके ऊपर मेटल से बना होता है और उसके ऊपर 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल होते हैं और एक मूवेबल स्केल होता है जिसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। पिक्चर में आपके सामने ये आ रहा है नजर, ये इसके 2 जार्स होते हैं, जब इनको हम खोलते हैं और बंद करते हैं ये मूवेबल होता है और इसके दरमियान में हम कोई चीज जिस चीज में मेजरमेंट रखनी है इस जार्स में रखेंगे और उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो डिविजन होती हैं वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होती हैं, जबकि जो वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर 10 डिविजन होती हैं, 10 डिविजन होती हैं, यानी कि ये जो है लीस्ट काउंट कम से कम जो मेजरमेंट ले सकता है वो 0.1 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर के 10वें से तक ले सकता है या फिर 0.01 सेंटीमीटर और यानी कि 70 मीटर के 100वें से तक एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकता है। इसके बाद जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट और स्मॉल मेजरमेंट्स को लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी यू शेप मेटालिक फ्रेम इसकी स्ट्रक्चर होता है। इसकी 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो होता है वो मूवेबल होता है, जब इसको हम रोटेट करते हैं इसके थिम्बल को हम इस तरह रोटेट करते हैं, इसकी स्पाइंडल जो है वो आगे पीछे एडजस्ट होती है और उसके अंदर हमने कोई भी इस चीज की मेजरमेंट लेनी हो सिलेंड्रिकल शेप में हो स्फेरिकल शेप में हो तो आप उसको प्लेस करते हैं, तो उसकी मदद से हम उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो डिविजन होती हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं, जबकि जो सर्कुलर स्केल होता है उसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं डिविजन जो होती हैं वो 100 डिविजन होती हैं। तो
इसलिए जो इसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो है वो हम मेन स्केल की डिवीजन यानी मिलीमीटर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो हमारे पास ये इसकी आ जाएगा लीस्ट काउंट। ये 0.01 मिलीमीटर तक हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, यानी मिलीमीटर के हजारवें सौवें हिस्से तक हम एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.001 सेंटीमीटर तक हमें मेजरमेंट देता है, सेंटीमीटर के हजारवें हिस्से तक ही हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.